दोस्तों, मैं हकीम फैसल, आपका मेरे YouTube चैनल तैमूरी दवाखाना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माजून प्याज के बारे में और जानेंगे माजून प्याज के फायदे और नुकसान के बारे में और इसकी जड़ी बूटियों के बारे में और इसके इस्तेमाल का सही तरीका, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें और अपनी बीमारी का खुद इलाज कर सकें। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमदर्द कंपनी की माजून प्याज है। माजून प्याज हमदर्द कंपनी का क्लासिकल प्रोडक्ट है, इसको दूसरी कंपनियां भी बनाती हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसकी कीमत की। इसकी कीमत 50 रुपये है और ये वजन में 125 ग्राम है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी जड़ी बूटियों की। इसमें कुलंजन, जंजबील, शगाकल मिश्री, तुखम प्याज, दूध, घी, क्वाम शकर सफ़ेद, ज़ाफ़रान, अर्क गाउजुबा, इन सब बेहतरीन और असरदार जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से माजून प्याज तैयार की जाती है। दोस्तों, बात करते हैं माजून प्याज के फायदे की। दोस्तों, माजून प्याज वीर्य को ज्यादा करती है और मर्दानगी को बढ़ाती है। दोस्तों, मुर्दा पड़े लिंग में जान डाल देती है और जिन लोगों का लिंग खूबसूरत वाइफ को देख कर भी सांस नहीं लेता। दोस्तों, माजून प्याज के इस्तेमाल से लिंग सांस ही नहीं लेता बल्कि तंबू की तरह तन जाता है। लिंग में सख्ती पैदा करती है और कैल्शियम की कमी को दूर करती है, वीर्य को ज्यादा करती है। दोस्तों, जो लोग एक या दो झटकों में ही गिर जाते हैं, उन लोगों की टाइमिंग को बढ़ाती है और वीर्य को मक्खन की तरह गाढ़ा कर देती है। दिल दिमाग को ताकत देती है और चेहरे की रंगत को निखारती है। और जिन लोगों ने ज्यादा सेक्स करने की वजह से या मास्टरबेशन करने की वजह से लिंग में कमजोरी पैदा हो गई है, दोस्तों ये माजून सेक्स की ख्वाहिश को बढ़ा देती है। दोस्तों, जिन लोगों के लिंग में सेक्स की ख्वाहिश पैदा नहीं होती और अगर ख्वाहिश तो होती है लेकिन लिंग में सख्ती नहीं आती और न ही सेक्स करने को दिल चाहता, तो दोस्तों आप माजून प्याज का इस्तेमाल करो। इस माजून के इस्तेमाल से सारी परेशानी दूर भाग जाएंगी और सेक्स की ख्वाहिश बढ़ जाएगी, जोश और टाइमिंग और सेक्स शक्ति बढ़ जाएगी और स्पर्म बढ़ जाएंगे। दोस्तों, माजून प्याज की तासीर गर्म होती है। शुगर के पेशेंट और बिना शादीशुदा लोग इस माजून का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अब जानते हैं परहेज के बारे में। खटाई चावल, पूरी, कचौरी, पकौड़ी, चाउमीन, पिज्जा, पेस्ट्री का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अब जानते हैं इसके इस्तेमाल का तरीका। 5 से 10 ग्राम सुबह खाली पेट गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।